तीसरा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी इसमें जींस, इसमें जींस। इसके अगर हम तारीख देखें तो उसकी तारीख सीधे तौर पर हम इस तरह कर सकते हैं कि ऐसा इस्म, ऐसा इस्म जिससे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, जिससे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, ऐसी चीज़ को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसा कि हम इसकी मिसाल देखें, मिसाल तो लोहा, लोहा एक ऐसी धारा जिससे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। लोहे से कुर्सी बन सकती है, लोहे से टेबल बन सकता है, लोहे से फिर हम पलंग बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोहे से बना सकते हैं। इसी तरह चांदी, सोना, पानी, दूध, ठीक है। तो इस तरह से ये हम कहेंगे इसको फिर मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जिससे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। सिल्वर, गोल्ड, आयरन, वाटर, मिल्क, इससे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर टेबल, टेबल इज़ मेड बाय द आयरन। टेबल कैसे बना हुआ है? लोहे से बना। टेबल इज़ मेड बाय द वुड, लकड़ी से बना हुआ है। तो लकड़ी से भी बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो जिससे जो जो चीज़ें बना सकते हैं तो हम उसे मटेरियल नाउन कह सकते हैं। दूध से मक्खन बनता है, दही बनता है, छाछ बनती है, घी बनता है। लोहे से बहुत सारी चीज़ें बनती है, चांदी से बहुत सारी चीज़ें बनती है, सोने से बहुत सारी चीज़ें बनती है। तमाम चीज़ें क्या कहलाएंगी? ये मटेरियल नाउन, इसमें जींस कहलाएंगी। अब इसके बाद का जो चौथा वाला जो नाउन है, चौथा जो नाउन है वो है कनेक्टिव नाउन। कनेक्टिव नाउन यानी इसमें जमा या फिर इसमें जमावाद। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन इसमें जमा या फिर इसमें जमात। कलेक्टिव नाउन की तारीफ ये है कि भाई ऐसा इस्म जो बज़ाहिर तो वाहिद नज़र आता हो लेकिन मायने के एतबार से वो जमा होता है, ठीक है ना। अगर हम इसकी तारीफ देखें तो बज़ाहिर क्या होता है ये तारीफ, कलेक्टिव नाउन की तारीफ इस तरह से, जो बज़ाहिर हमें क्या नज़र आता हो, बज़ाहिर वाहिद नज़र आता हो लेकिन कैसा होता है, ग्रुप होता है, एक जमा के तौर पर वो इस्तेमाल होता है। जैसा मिसाल के तौर पर हम इसकी मिसाल देखें, टीम, टीम क्या एक ग्रुप है, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है लेकिन हमेशा ही सिंगुलर तौर पर इस्तेमाल किया जाता है टीम। इसी तरह से ग्रुप, इसी तरह से हम देखें तो कमेटी, डबल एम आई डबल टी डबल ई, कमेटी। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है सर। इसी तरह से और आर्मी आता है, आर्मी, क्लास, जरी जे यू आर वाई जरी, फौज का ग्रुप कहते हैं। फ्लॉक एफ एल ओ सी के फ्लॉक, जानवर के झुंड को कहते हैं। फ्लीट जहाज़ों के झुंड को कहते हैं। हर्ड हर भी मवेशियों के झुंड को कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे वर्ड है जिसे हम कलेक्टिव नाउन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास, आर्मी, पीपुल, क्राउड, ये तमाम के तमाम क्या कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन की तारीफ हमने देखे हैं कि ऐसा जो बज़ाहिर तौर की नाउन बज़ाहिर सिंगुलर तौर पर नज़र आता हो लेकिन कैसा रहता है, वो जमा के तौर पर इस्तेमाल होता है। और ये हमेशा सिंगुलर के साथ में ही इस्तेमाल होता है। कलेक्टिव नाउन जो हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होता है, इसका कभी प्लूरल नहीं बनता है, हमेशा सिंगुलर होता है। लेकिन अब कभी कभी ऐसा होता है कलेक्टिव नाउन के बाद में इसका एक और भी एक पार्ट है कलेक्टिव नाउन का, वो है मल्टीट्यूड नाउन। कलेक्टिव नाउन में से एक और भी लिख लिया जिसे हम मल्टीट्यूड नाउन कहते हैं। तो मल्टीट्यूड नाउन और कलेक्टिव नाउन में क्या फ़र्क है? कलेक्टिव नाउन की हमने तारीफ ही देखें, बज़ाहिर जो कैसा रहता है सिंगुलर होता है और इसका हमेशा कभी जमा बनता ही नहीं है। लेकिन मल्टीट्यूड नाउन और कलेक्टिव नाउन में ये फ़र्क है, कलेक्टिव नाउन के अंदर कैसा रहता है, यूनिटी होती है। कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या होता है, यूनिटी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर टीम खेल रही है, टीम खेल रही है मतलब टीम का हर फर्द अच्छे से खेल रहा है। इसके साथ में हम जो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, हम सेंटेंस लिखेंगे टीम इज प्लेइंग वेरी वेल, टीम इज प्लेइंग वेरी वेल, टीम बहुत अच्छे से खेल रही है।
ठीक है ना, टीम बहुत अच्छे से खेल रही है। जमात का पहला नंबर आया, योर ग्रुप इज वेरी गुड, तुम्हारा ग्रुप बहुत अच्छा है, योर कमिटी इज वेरी वेल, तुम्हारी कमिटी बहुत अच्छी है। तो जहां पर हम ये कलेक्टिव नाउन जो होता है ये हमेशा सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन सिंगुलर तौर पर कब इस्तेमाल होता है, इन तमाम के अंदर क्या होता है, यूनिटी होती है, इनके अंदर क्या होता है, इत्तेहाद होता है, ये तमाम का तमाम एक ही मीनिंग देते हैं, एक ही चीज को देते हैं। जैसा जजों ने सही फैसला दिया, जरी सही फैसला दिया है ना, जरी गिव द गुड जजमेंट। तो इस तरह का जो होता है सब जितना भी ग्रुप है, कमेटी हो, जरी हो, फिलीड हो, हर्ड हो, जितने भी चीज़ें सबको अगर अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ पॉइंट जो हो, अगर हम कहें कि भाई जिनका नुक्ता नज़र जो है, जिनकी सोच जो है, जिनका फैसला जो है वो एक ही हो, तो उस वक्त हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। लेकिन अब इसमें से दूसरा जो पार्ट निकला है वो है मल्टीट्यूड नाउन, ठीक है ना। तो मल्टीट्यूड नाउन हम उससे कहेंगे जब उनका उनके अंदर जब यूनिटी ना हो, जब उनके अंदर सेपरेशन आ जाए। जैसा हमने देखेगा टीम अच्छी खेल रही है, टीम इज प्लेइंग वेरी वेल, टीम बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन टीम बहुत अच्छा खेल, जब खेलना हो गया, जब टीम अपने जब टीम जब जा रही है, वतन को लौट रही है, घरों को जा रही है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो मल्टीट्यूड नाउन हो जाएगा। टीम इज गोइंग, ये नहीं कहेंगे टीम आर गोइंग एट देयर होम, टीम अपने अपने घर जा रही है, तो फिर वो कहलाएगा मल्टीट्यूड नाउन। हम उसको मिसाल के जरिए समझने की और कोशिश करते हैं मल्टीट्यूड नाउन और कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या फर्क होता है। हाई एक ही चीज़ें दोनों की, सिर्फ उसके अंदर सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि मल्टीट्यूड नाउन के अंदर जो है वो पॉइंट जो उनका जो होता है वो उन इत्तेहाद में नहीं होता है, ठीक है ना। इसके मिसालें देखते हैं मल्टीट्यूड नाउन की। अब हम देखते हैं कमेटी, कमेटी जो है वो तमाम लोग जो होते हैं, जैसा मुस्लिम कमेटी, तमाम मुस्लिम लोग उसके अंदर आते हैं। तो कमेटी, मुस्लिम कमेटी इज़ वेरी नाइस, अगर हम बोले मुस्लिम कमेटी इज़ वेरी नाइस, मुस्लिम कमेटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगर हम इस तरह से बोले तो हम इस तरह से कहते हैं मुस्लिम कमेटी, COMMITTEE कमेटी इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छी है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है सबके अंदर एक इत्तेहाद है, इनके अंदर क्या है कि यूनिटी है, इनके अंदर एक इत्तेहाद है, यूनिटी है। अगर हम इस तरह से बोले कि मुस्लिम कमेटी, ठीक है ना, वेयर आर्गुइंग अमाउंग मुस्लिम कमेटी वेयर आर्गुइंग अमाउंग देमसेल्फ्स, मुस्लिम कमेटी वेयर आर्ग्यूइंग अमाउंग देमसेल्फ्स, यानी जो मुस्लिम कमेटी है जो खुद के अंदर ही, यानी आपस के अंदर क्या आर्ग्यूइंग बहस मुबहस कर रही है, तो हर एक फर्द का ख्याल अलग अलग हो गया। तो जब इस तरह का सेंस आए, जब यहाँ पर जो नाउन है वो जब प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल हो, तो उसे हम मल्टीट्यूड नाउन के अंदर उसे कनेक्ट, उसे मल्टीट्यूड नाउन के अंदर उसे हम फिर उसे जोड़ देंगे, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से जूरी जो होता है जिसे हम जूरी कहते हैं, जो जजों का जो ग्रुप होता है, अगर वो उन्होंने अगर फैसला सबका जो चार पांच लोगों जो होते हैं जिसे हम बेंच भी कहते हैं, ठीक है ना, तो अगर उन्होंने फैसला दिए सबका अगर एक ही पॉइंट हो, कि सबका अगर सब एक ही पॉइंट हो, मुत्तफिक हो कि हाँ ये बात सही है, तो फिर वो कैसा रहूँगा, फिर वो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। लेकिन अगर उनका सबका अलग अलग व्यू हो, वो सबका अलग अलग अकॉर्डिंग टू द पॉइंट हो, उनका जैसे सोचने का नज़रिया अलग हो, या फिर उनका फैसला अलग हो, तो फिर वो फिर क्या हो जाएगा, फिर मल्टीट्यूड नाउन के तौर पर वो कहेंगे द जूरी वे आर अनेबल टू एग्री ऑन द पॉइंट, वो एक पॉइंट के ऊपर, एक नुक्ते के ऊपर आने के काबिल नहीं थे। तो जब इस तरह का सेंस हो, यानी सीधी सी बात सिर्फ इतनी है कि जब जो ग्रुप है, जो भी है, जो क्लास है, टीम है, जो भी है, जब उनका उनके जब इत्तेहाद हो तो हम उससे कलेक्टिव नाउन कहेंगे, जब उनके इत्तेहाद ना हो, जब उनका सोचने की या फिर उनका फैसला करने की या फिर उनका जो एक्टिविटी है वो करने की अंदर, जब उनके अंदर सेपरेशन हो जाए, उनका सेपरेट हो जाए, उनके अंदर इत्तेहाद ना हो, मुंतशिर उनके अंदर आ जाए, तो फिर वो हम उसे मल्टीट्यूड नाउन के अंदर कलेक्ट करेंगे। और जब मल्टीट्यूड नाउन के अंदर जब हम उसे जब इंक्लूड करेंगे, तो उस वक्त तो उनका जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो फिर क्या हो जाएगा, प्लूरल में चले जाएगा। हमने देखे थे कि कलेक्ट नाउन का कलेक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर में आता,
जाता है, इसका प्लूरल नहीं बनता। लेकिन जब इसका हम प्लूरल के तौर पर जब इस्तेमाल करते हैं, तो जब कि जब प्लूरल तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, फिर वह प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो ऐसे समय में, ऐसे वक्त में हम इसे मल्टीट्यूड नाउन के अंदर हम इसे फिर कनेक्ट करते हैं, उसे हम उसके अंदर जोड़ते हैं या फिर उसके अंदर उसे इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह से मल्टीट्यूड नाउन और कलेक्टिव नाउन के अंदर फर्क होता है।